नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबर नाउ और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। साथ ही अगर हम मृतकों की संख्या की बात करें तो मृतकों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं अगर ठीक हुए मरीजों का देखा जाए तो बहुत मरीज जो हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। और अगर बात करें तो कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है तो कई सामाजिक संगठन, कई संस्थाएं जो हैं वो आगे आ रही हैं और जो लोगों की सहायता कर रहे हैं। आइए इसी से जुड़ी जम्मू कश्मीर की कुछ खबरों पर डालते हैं एक नज़र। भारतीय जनता पार्टी की आदतपुरा जिला इकाई द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन कर कोरोना वायरस के बीच अपनी सेवाएं दे रहे पत्रकारों को सम्मानित किया गया। भाजपा के जिला प्रधान हरभजन सिंह पम्मी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक गारू राम भगत, पूर्व मंत्री श्याम लाल चौधरी, म्यूनिसिपल कमेटी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला आसपुरा में सभी मीडिया बंधुओं का यहाँ पर हमने एक भव्य स्वागत किया। जिस प्रकार से कोरोना के दौरान मीडिया बंधु अपनी जान की ना परवाह करते हुए यहाँ पर जितनी भी कवरेज वो पूरी वो कर रहे हैं और ईमानदारी से अपना जो वो काम कर रहे हैं, आज जिलाध्यक्ष पम्मी जी के नेतृत्व के अंदर आज यहाँ पर हमने सभी मीडिया बंधु को यहाँ पर बुलाकर उनका मान सम्मान कर उनको हौसला बसाई उनकी की। कोरोना महामारी को लेकर निरंतर बनी लॉकडाउन की स्थिति को लेकर घरों के भीतर कैद बच्चे एक और जहां स्कूली द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर व्यस्त हैं, तो वहीं दूसरी ओर कई तरह के स्केच, यहां तक कि पेंटिंग्स बनाकर अपने समय व्यतीत कर कला दिखा रहे हैं। पृथ्वी दिवस पर नगर कटरा में स्कूलों के बच्चों ने पेंटिंग बनाकर पृथ्वी को बचाने के लिए कई तरह के संदेश भी दिए। कटरा स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल की 8वीं कक्षा की छात्रा आनंदी शर्मा ने पृथ्वी दिवस पर सेव ट्री सेव अर्थ पर पेंटिंग बनाकर यह संदेश दिया है कि अधिक से अधिक पेड़ लोगों को लगाकर उनका संरक्षण करना चाहिए, ताकि एक ओर जहाँ वातावरण शुद्ध होता है तो दूसरी ओर प्रकृति भी पूरे तरीके से बची रहेगी। ब्लॉक मीरा साहिब के पंचायत बन सुल्तान लोवर बुधवार को पंचायत संगीता भगत की देखरेख में सैनिटाइजर अभियान चलाया गया। इस मौके पर पंचायत खारिया के पंच चंद्र प्रकाश मोनू भी मौजूद थे। इस दौरान हर एक गले, मोहल्ले तथा चौराहे में दवाई का छिड़काव किया गया ताकि कोरोना वायरस के प्रकोप को कम किया जा सके। इस मौके पर पहुंचे संगीता भगत ने पंचायत के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपने घरों में रहें और सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का पूरे तरीके से पालन करें। मैं पंच बन सुल्तान वार्ड नंबर 2 संगीता। तो आज हमने अभियान चलाया कि ये सैनिटाइजर का जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस की, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे पंच साहब हैं खारिया पंचायत के चंद्र पंच, इन्होंने बाकी पंचायतों में आगे भी सैनिटाइजर किया हुआ है, तो आज हमारी पंचायत में भी आए हैं, तो हम मिलकर अपनी पूरी पंचायत में सैनिटाइजर करेंगे। हीरानगर में कोरोना वायरस की लड़ाई में सिविल सोसाइटी भी अहम भूमिका निभा रही है। वहीं जरूरतमंद लोगों को खाना व अन्य जरूरतों का सामान भी मुहैया करवा रही। पिछले 10 दिनों में श्री गणेश महोत्सव संस्था ने लोगों के लिए लंगर का आयोजन कर रहा, जिसमें सभी को खाना खिलाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। कोरोना का कठुआ के नजदीक पड़ते हीरानगर में पहला मामला आने से कठुआ पुलिस सतर्क हुई है। कठुआ शहर में जगह जगह कठुआ पुलिस अपने सभी अधिकारियों के साथ घूम रही, ताकि जो लोग बिना वजह घरों से निकल रहे हैं उन्हें सख्त चेतावनी देते हुए घरों में जाने के लिए कहा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके खबर नाउ। आज जो मॉर्निंग से ही हमने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हैं। सुबह 11 बजे जब भी मार्केट खुली उसमें प्रॉपर हमने अपनी डिप्लॉयमेंट रखी थी और प्रॉपर सर्वेलेंस रखा गया कि कहीं पे भी मार्केट पे कोई भी रश या फिर कुछ भी भगदड़ ना मिचे। और उसके बाद जब 5 बजे मार्केट बंद हुआ तो उससे पहले हमने हमारे सारे जो पर्सन से बाहर थे, सो दैट की प्रॉपर टाइमिंग पे सारी शॉप्स को बंद करवा दिया जाए और ख़ास तौर से जो कि नॉन एसेंशियल शॉप्स हैं उन पर भी काफ़ी ज़्यादा सर्वेलेंस रखी गई। कस्बे के वार्ड नंबर 7 के लोगों में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा निशुल्क राशन वितरित किया गया। वार्ड के पार्षद चांद छाबड़ा की देखरेख में लोगों में राशन वितरित किया गया। इस मौके पर अपने विचार रखते हुए वार्ड के पार्षद चांद छाबड़ा ने कहा कि सरकार द्वारा लोगों को राशन मुहैया करवाया जा रहा है, जिसकी वह स्वागत करते हैं। पार्षद ने कहा उनके दोबारा और अपने आस पास पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। पार्षद आरसपुरा वार्ड नंबर 7 से लक्की छाबड़ा बोल रहा हूँ। और जो COVID-19 जो कोरोना वायरस आपदा हमारे देश में आई हुई है, उसको देखते हुए मैं अपने लोगों से अपील करना चाहता हूं कि वो दूरियां बनाए रखें और अपने घर में रहें। और मैं अपनी तरफ से और अपने लोगों की तरफ से, अपने वार्ड की तरफ से प्रधानमंत्री सरकार का
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस आपदा में हमें ये मुफ्त चावल भेजे हैं। रामेश्वर धाम गीता भवन के स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने महाराष्ट्र में दो संतों की हुई निर्मम हत्या, सरकार से मांग की है दोषी लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसपुरा क्षेत्र में आयोजित पत्रकार सम्मेलन के दौरान स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने कहा, इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर का साधु संत समाज के पूरे तरीके से आहत है। स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो 3 मई के बाद राज्य जम्मू कश्मीर का साधु समाज महाराष्ट्र के लिए कुछ करेगा, जिसकी जिम्मेदारी वहाँ सरकार की होगी। स्वामी प्रकाशानंद जी श्री गीता भवन आरसपुरा से, ये जो घटना महाराष्ट्र में घटी है, जो निर्दोष संतों को पीट पीट के मार डाला, आज हमारे जम्मू कश्मीर का सारा संत समाज इस घटना को सुन के बड़ा दुखी है। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि जो भी निर्दोषी हैं उनको जल्दी से जल्दी जितना हो सके कठोर दंड दिया जाए, जिससे हमारे देश के अंदर एक अच्छा मैसेज आए। आरएसपुरा के युवक संचित कपूर ने लॉकडाउन के बीच संगीत की ऐसी प्रैक्टिस की, अब वह क्षेत्र में पूरी तरह से हिट हो गया है और उसके द्वारा यूट्यूब पर गाए गए गानों के लोगों द्वारा काफी शेयर किया जा रहा और पसंद भी किया जा रहा। संचित कपूर ने सभी देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि वह केंद्र सरकार के सभी दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने घरों में रहकर, खासकर उन्होंने उन युवाओं से अपील किया जो घर पर रहकर कुछ न कुछ ऐसे कार्य करें जिससे उनकी प्रतिभा उभर सके। नमस्कार, मेरा नाम है संचित कपूर और मैं जम्मू के आरएसपुरा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ। देखिए दोस्तों, आजकल चल रहा है कोरोना वायरस, तो पूरा हिंदुस्तान यहाँ पे सभी परेशान हैं, पूरा इंडिया। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बहुत ही हमारे लिए कर रहे हैं, वो अपना योगदान दे रहे हैं और हम भी उनके साथ उनका साथ दे रहे हैं। तो कृपया करके आप घर पे रहें, स्टे होम। शिवसेना नेताओं ने महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की हत्या की घटना पर संत समाज को किसी बहकावे में नहीं आने के साथ इस दर्दनाक हादसे पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को भी कड़ी चेतावनी दी है। पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष मनीष साहनी ने आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे समेत शिवसेना के तमाम नेताओं ने इस दर्दनाक घटना की न केवल कड़ी निंदा की बल्कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। सानी ने कहा, मात्र कुछ घंटों में ही गढ़चंचल गांव के 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की जा रही है। इलाके के पुलिस चौकी प्रभारी एवं सहकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया, जांच किसी तरह से प्रभावित ना हो इसको देखते हुए सीआईडी क्राइम को भी सौंप दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट रमन पादा के साथ जम्मू से रोहित शर्मा की रिपोर्ट। मैं मनीष सानी, प्रदेशाध्यक्ष शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई, आज आप लोगों के माध्यम से जो हिंदुत्व को लेकर जो तथाकथित ठेकेदार बने हैं, जो चोला पहन रहे हैं, उनको ये आगाह कर दूं और ये बता दूं कि शिवसेना हमेशा हिंदुत्व पर कायम थी, है और रहेगी। कुछ दिनों पूर्व पालघर के अंदर, महाराष्ट्र के पालघर से 110 किलोमीटर दूर गांव गढ़ चिंचला है, जहां पर दो साधु और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या कर दी गई। ये एक दर्दनाक हादसा था जिसकी शिवसेना के तमाम नेताओं ने कड़े शब्दों के अंदर निंदा की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने कुछ ही घंटों के अंदर तुरंत कार्रवाई करते हुए उस गांव में 110 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उस गांव के थाना प्रभारी और सहकर्मी को बर्खास्त कर दिया गया है। आरएसपुरा क्षेत्र में किसानों ने गेहूं की कटाई का कार्य शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि फसल पककर पूरे तरीके से तैयार हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें फसल की कटाई का काम आरंभ कर दिया गया। लॉकडाउन के चलते में जो है अभी हम बैठे बेले बैठे थे, तो अभी मतलब गेहूं कटाई काम मतलब चालू हो गया सर, इसीलिए जो हम अभी मतलब गेहूं का काम कर रहे हैं सर। गरीब आदमी सर क्या करेगा सर, आखिर किसी तरह तो मजदूरी तो करना ही है। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही, और जेके खबर नाउ की भी आपसे यही अपील है कि आप लोग घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें और साथ ही जो है लॉकडाउन का पालन करें और सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।